17 तारीख की सुबह स्नान पूजा अर्थात अभिषेक के दौरान स्वामी ने पवित्र मंदिर को क्षीण शक्ति के साथ फिर से भरने का फैसला किया। मंदिर में ही स्वामी ने नारायण जी की एक सुंदर मूर्ति सृजित की। शीघ्र ही श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए और बद्रीनाथ में स्थापित किए गए नेत्रलिंगम के बाद 1000 पंखुड़ियों वाला स्वर्ण कमल भी रहस्यमय रूप से स्वामी ने सृजित किया। भक्तों को नेत्रलिंग दिखाते हुए उस दिन दिव्य प्रवचन में स्वामी ने कहा, आज सुबह मैंने इस नेत्रलिंग को, जिसमें ज्ञान की आंख भी परिलक्षित है, इसके विश्राम स्थल से निकाला। इसे शंकराचार्य ने इस मंदिर में आध्यात्मिक जीविका के मुख्य स्रोत के रूप में स्थापित किया था। अभिषेक के बाद इसे मूल स्थान पर वापस भेज दिया गया, जहां से वो यहां आने वाले तीर्थयात्रियों पर और भी अधिक कृपा बिखेरता रहेगा।